भारत का दिल कहे जाने वाला मध्य प्रदेश अपने पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ स्थित कई ऐतिहासिक स्मारक, मंदिर, मस्जिद, किले, महल और डैम्स यहाँ आने वाले पर्यटकों को खूब आकर्षित करते हैं। और ऐसे ही हम आज आ गए हैं दाहोद डैम पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आपका अपने यूट्यूब चैनल डिस्टेंस कवर्ड विद राहुल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दाहोद डैम भोपाल नागपुर हाईवे पर मंडीदीप टाउन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए स्टेशन रोड से होते हुए लहलहाते खेतों के बीच ग्राम मुंडला पार करते ही हम पहुँच जाएंगे दाहोद गांव में। दाहोद गांव के मुख्य तिराहे से ही हमें दाहोद डैम का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारी नज़र में डैम का पानी बढ़ते जाता है। दाहोद डैम पर अभी काम चालू है, तो आप दाहोद डैम तक जाने के लिए नीचे का रास्ता ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं तो आप खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ला सकते हैं या दाहोद गांव से ही जो होटल है वहाँ से ले सकते हैं। दाहोद गांव की बात करें तो दाहोद भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले की ओबेदुलगंज तहसील में एक गांव है। यह भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। दाहोद डैम के इतिहास की बात करें तो दाहोद डैम का निर्माण वर्ष 1958 में करवाया गया था। 1982 में इस डैम में 18 गेट लगाए गए। आपको जानकर खुशी होगी कि दाहोद डैम को औद्योगिक शहर मंडीदीप की लाइफलाइन भी कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ साफ शब्दों में वार्निंग लिखी हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन इंस्ट्रक्शंस को जरूर फॉलो करें। बारिश में यहाँ गेट के पास ही 15 से 20 फीट तक का पानी भर जाता है, तो आप यहाँ ना नहाएं। कोई हादसा होने पर जवाबदारी आपकी अपनी होगी। आपकी खुद की सुरक्षा आपके खुद के हाथ में है। दोस्तों, दाहोद डैम एक बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट है। यहाँ आसपास आप पेड़ों की छांव में यहीं से लकड़ियाँ जमा करके खाना भी बना सकते हैं। बर्तन आप घर से ले आए या दाहोद गांव में ही किराए पे ले लें। 150 से 200 रुपए में आपको सभी बर्तन रेंट पर मिल जाएंगे। एक होटल वाले भैया का कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप कभी अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ यहाँ आए तो आप उनसे बर्तन ले सकते हैं। शाम के समय बहुत से लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आते हैं और पानी में मस्ती करते हुए फैमिली क्वालिटी टाइम एंजॉय करते हैं। यहाँ देर तक बैठकर सनसेट एंजॉय करने का भी एक अपना मजा है। दोस्तों, दाहोद डैम के गेट के सामने से ही यह हरा भरा रास्ता श्री परमानंदेश्वर महादेव मंदिर को जाता है, जो आप इस मैप को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। इसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है और यह प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ गेट के सामने ही अपना वाहन पार्क कर दें और यहाँ एक पंडित जी हैं। आप गेट के अंदर जैसे ही जाएं, उनसे यहाँ घूमने की परमिशन जरूर लें। प्रकृति की गोद में बसी यह जगह बहुत ही बड़ी और हरे भरे पेड़ों से भरी हुई है। यहाँ की शांति आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस देगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें दर्शन होंगे श्री परमानंदेश्वर महादेव मंदिर के। यहाँ फोटोग्राफी करना मना है। मंदिर के पीछे का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। मंदिर के पीछे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहीं पर पैरों को पानी में डुबा कर बैठे और खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने आसपास सफाई रखें और कचरा डस्टबिन में ही डालें। थैंक यू एंड हर हर महादेव।